प्रॉब्लम नंबर 6.5 यह एक मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें मोशनल ईएमएफ के फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आइए हम प्रॉब्लम को देखें। इस क्वेश्चन में यह कह रखा है कि एक 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रोड जो कि 400 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रही है और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इसके वन एंड के नॉर्मल है। जैसे कि अभी यह रोटेट कर रही है रोड, हम देख सकते हैं इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो यहाँ पर होगी नॉर्मल टू दिस प्लेन, इस प्लेन के नॉर्मल होगी जो कि इस प्लेन में अभी हम ड्रॉ नहीं कर सकते। आगे क्वेश्चन में यह कह रखा है कि इस रोड का दूसरा एंड एक सर्कुलर मेटेलिक रिंग से कनेक्टेड है जैसा कि इस फिगर के अंदर दिखाया गया है और यह रोड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला में पड़ी है और जो कि है पैरेलल टू इट्स एक्सिस, क्योंकि इस रोड के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके परपेंडिकुलर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उस एक्सिस के पैरेलल है तो वो भी क्या होगा इस रोड के परपेंडिकुलर, यह हमें गिवन है। और आगे क्वेश्चन में यह पूछा है कि ईएमएफ डेवलप कितनी होगी बिटवीन द रोड एंड दिस रिंग, मतलब इस एंड से लेके इस रिंग तक में कितनी ईएमएफ जनरेट होगी वो हमें बतानी है। आइए अब हम सॉल्यूशन को समझें। जैसा कि हमें पता है लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इनटू एल। अगर हम देखें इस रोड के फर्स्ट एंड के लिए, इस वाले एंड के लिए लेंथ की वैल्यू 0 होगी, इसीलिए लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा इंटू 0, दैट इज 0। अगर हम इस कॉर्नर पे आ जाएं तो हम देखेंगे रोड की लेंथ एल है तो हम देखेंगे ओमेगा इंटू एल जो कि होगा ओमेगा एल। हेंस हम कह सकते हैं कि वन एंड ऑफ द रोड हैज 0 लीनियर वेलोसिटी व्हाइल द अदर एंड हैज लीनियर वेलोसिटी ओमेगा एल, मतलब इस एंड की लीनियर वेलोसिटी 0 है और इस एंड की लीनियर वेलोसिटी ओमेगा एल है। अगर हम एवरेज लीनियर वेलोसिटी लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा एल प्लस 0/2 जो कि होगा ओमेगा एल बाय 2। हमारे पास मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है e इज इक्वल टू बी एल वी, यहाँ पर हम v की जगह ओमेगा एल बाय 2 पुट करेंगे तो यह फॉर्मूला बन जाएगा बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2। यहाँ पर b की वैल्यू 0.5 टेस्ला गिवन थी, हमें लेंथ 1 मीटर गिवन है, ओमेगा की वैल्यू 400 रेडियन पर सेकंड गिवन है। इस फॉर्मूले के अंदर हम सभी वैल्यूज को पुट करेंगे और सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 वोल्ट, यही अपना आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।